स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया और पर अगर किसी को खांसी या छींक आ रही है तो वो थोड़ा हटके खांसे या कुछ कपड़ा रख ले, ठीक है, और ऐसा ना करें। और घर में जो है कोई दूर से बाहर से रिश्तेदार आए हैं और बाहर से आप भी आए हैं, बाजार से आए हैं, तो हाथ जरूर दो, क्योंकि आपने 10 जगह हाथ रखे होंगे कहीं भी, तो कहां से क्या आ जाए कुछ जरूर धोते रहें। और इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसकी जानकारी इसका बचाव है, समझे। दवा इसकी बनी नहीं है, इसलिए ये नहीं सोचेगा डॉक्टर मुझे सही कर देगा, दवा इसकी यही है कि खुद की सफाई रखें, बस, समझ गए। जय हिंद, मैं हूं असीम अरुण, एडिशनल डीजी 112। आज कोरोना वायरस का खतरा उत्तर प्रदेश में भी प्रकट हो चुका है। आप पीआरवी में कार्य करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर रहते हैं और अनेक लोगों से मिलते हैं, ऐसे में आपको इस बीमारी से खतरा हो सकता है, जिसके लिए ज़रूरी है आपका सजग होना। सबसे पहले आवश्यक है यह समझना कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है। जब कोई पीड़ित व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं और यह हमारी आँख, नाक या मुंह में चली जाए तो इसका वायरस हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। किसी पीड़ित व्यक्ति का थूक या छींक की बूंदें उनके हाथ, दरवाजे के हैंडल आदि पर लग सकती हैं, और अगर आप इन्हें छुएं और फिर अपना हाथ अपनी आँख या मुंह पर ले जाएंगे तो वायरस प्रवेश कर सकता है। वायरस विभिन्न प्रकार के होते हैं और 48 घंटे तक वस्तुओं पर जीवित रह सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है यह 5 सावधानियां बरतें। सबसे पहले अपने आप को साफ स्वच्छ रखें, हाथों को जल्दी जल्दी साबुन से धोएं या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें ताकि किसी भी तरह का संक्रमण आप तक ना पहुंचे। पीआरवी पे जब आपकी शिफ्ट ख़त्म हो तो पीआरवी के सामने का डैशबोर्ड, हैंडल, स्टेयरिंग सबको अच्छे से साफ करें, जिससे कि आने वाले साथी को कोई इन्फेक्शन ना हो। छींकने या खांसने के दौरान अपने मुँह को टिश्यू पेपर या रुमाल से ढकें और इस्तेमाल करने के बाद टिश्यू को किसी बंद कूड़ेदान में फेंकें। यदि टिश्यू पेपर या रुमाल ना हो तो हाथ में ऐसे ना छींकें, क्योंकि आपके हाथ दूसरों तक संक्रमण फैला सकते हैं। बेहतर है कि आप अपने कपड़े की बांह पर छींकें ऐसे। यदि कोई छींक रहा है या खांस रहा है तो 1 से 2 मीटर की दूरी बना करके रखें और उनको मास्क दें ताकि अन्य लोग सुरक्षित रह सकें। आप उनसे हाथ ना मिलाएं और गले ना मिलें। अगर आपको उनकी सहायता करनी है तो अपने मुंह पर मास्क पहले लगा लें, सहायता करने के बाद साबुन से हाथ मुंह धो लें। अपनी आँख, नाक और कान को साफ हाथों के अलावा न छुएं। यदि आपको खांसी, जुखाम या सांस लेने में समस्या हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इन सभी बातों को ध्यान में रखें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों को ज़रूर बताएं। अगर हम सजग हैं तो इस बीमारी से बचना कोई मुश्किल काम नहीं है। सरकार, विशेषकर स्वास्थ्य विभाग, सारे कदम उठा रहा है और किसी तरह के पैनिक की जरूरत नहीं है। आप सुरक्षित रहें, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित करने में सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद।